हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वेरी ओन पैन बड़ी चैनल, जहां आपको बहुत इजी वे में चीजों को सिखाया जाता है। आज का आपका साइंस का चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आप आसपास बहुत सारे मिक्सचर्स देखते हैं, जैसे सॉइल है, एयर है। हम सीखेंगे यहाँ कि हाउ टू सेपरेट आउट द सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर्स। और उम्मीद करती हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, आपके टेस्ट और यूनिट टेस्ट जो चल रहे हैं उसमें आप बहुत सारा सीखें, बहुत लर्न करें और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं। मेरी विशेष है आपके साथ, और इन्हीं विशेष के साथ प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लेट्स बिगिन आवर चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप डिफाइन करना सीख जाएंगे कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो डिफाइन मिक्सचर्स एंड इट्स टाइप, फर्स्ट वन है आपका, एंड सेकंड है लिस्ट द नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द मिक्सचर। हमको नीड क्यों पड़ती है, हम क्यों सेपरेट आउट करते हैं चीजों को। और थर्ड है हमारा एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मतलब हमारे जो सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करने के मेथड्स होंगे वो क्या क्या होंगे। और नेक्स्ट है डिफाइन सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं और सॉल्युबिलिटी जो है हम किस चीज को कहते हैं। तो अब हम ये सारी चीजें सीखना शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो है व्हाट इज मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर इज अ सबस्टांस जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सबस्टांसेस मिक्स है इवनली प्रोपोर्शन में। जैसे कि आप अगर एक वाटर ले लीजिए ग्लास में और उसके अंदर सॉल्ट मिक्स कर दीजिए, तो जो वाटर है उसमें एक चम्मच लेके देखिए आप, या उससे ज्यादा, आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। यानी कि जो वाटर है उसके अंदर जो आपका साल्ट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपका जो मिक्सचर है वो सबस्टांस है जिसमें दो या दो से ज्यादा प्योर सबस्टांसेस मिक्स है वेरिंग प्रोपोर्शन में, मिक्स प्रोपोर्शन में। और जो सबस्टांसेस है वो मिक्स होके क्या बना रहे, एक मिक्सचर बना रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, कंस्टिट्यूट और कंपोनेंट्स। तो मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सबस्टांसेस दैट आर नॉट केमिकली बॉन्डेड। ये वर्ड आप समझ रहे हैं, आगे आप बड़े हो जाएंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में साइंस की आपको केमिस्ट्री में बॉन्डिंग्स पढ़ाई जाएगी, और जो आपको केमिकल आपके फॉर्मूलाज होते हैं उनमें वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं ये सिखाया जाएगा। तो अभी आप छोटे हैं तो ये पूरा वर्ड मैं आपको क्लियर नहीं करा रही हूँ, बस ये है कि जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब उसके हिसाब से उनमें कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है। हर कंपोनेंट मिक्सचर का जो है वो रिटेन कर रहा है अपनी ओन प्रॉपर्टीज, और उसको अगर हम चाहें तो फिजिकल मीन्स के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। मिक्सचर्स जो है वो कैटेगराइज करते हैं हम उनको अलग अलग टाइप्स में, इस बेसिस पे कि कंपोजिशन उनका कैसा है, यूनिफॉर्मिटी जो है उसके अंदर कैसी है। तो जो कॉमन टाइप्स है मिक्सचर्स के वो हमारे दो हैं, एक है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेटरोजीनियस। होमोजीनियस जैसे कि नाम से ही लग रहा है, उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, होमोजीनियस है, यानी कि इवनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें। थ्रू आउट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एट द मॉलिकुलर लेवल। जैसे कि शुगर आप डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, और सॉल्ट वाटर है और एयर है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके हैं होमोजीनियस। फिर आता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मीन्स नॉन यूनिफॉर्म या अनइवन कंपोजिशन, द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कैन बी सीन एज डिस्टिंक्ट फेजेस और पार्टिकल्स विद इन द मिक्सचर। जैसे कि आप लाइए वाटर और उसमें थोड़ा सा आप जो आपका क्या कहते हैं सैंड है वो मिक्स कर दीजिए, इसके अंदर ये वाटर है और इसके अंदर हमने सैंड को मिक्स कर दिया। अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो सैंड आपको क्या दिखाई देगा यहाँ, और उसके कुछ पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए नजर आएंगे, पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूशन उनका नहीं होगा। ऐसे ही आप सलाद की ड्रेसिंग करते हैं तो विजिबल लेयर्स होती है उसमें, अगर आप ऑयल मिक्स कर देते हैं वाटर में तो ऑयल ऊपर तैरता रहता है, वाटर नीचे रहता है, वो मिक्स नहीं होते हैं। तो ये एग्जाम्पल है हेटरोजीनियस मिक्सचर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीड, व्हाई वी नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर। हम क्या जरूरत है हमको कि हम सेपरेट आउट करें सब्सटेंसेस को मिक्सचर में से। तो अभी आप घर जाएंगे स्कूल से और अच्छा अच्छा खाना मम्मी आपको खिलाती है, तो वो खाना कितना
सफाई से और पूरा चेक करके बनाती है। राइस आप खा रहे हैं और उसमें से अगर कुछ स्टोन्स पेबल्स आपके मुंह में आते हैं तो आपको कितना खराब लगेगा, है ना। पहले तो मामा को ही नहीं पसंद आएगा क्योंकि उनको आपकी हेल्थ की बहुत ज्यादा फिक्र है। हर वेजिटेबल को वो प्योरली कट करती हैं तब आपको खिलाती हैं पीलअप करके, जो फ्रूट्स हैं उनको भी। तो हमें नीड पड़ती है ना सेपरेशन के सबस्टांसेस में, डेली लाइफ में नीड फॉर सेपरेटिंग सबस्टांसेस इन अ मिक्सचर अराइजेस फॉर वेरियस रीजंस। उसके अलग अलग कई सारे रीजंस होते हैं। जैसे आपने टी बनाई है, अब टी में क्या है, टी लीव्स है, तो टी लीव्स के साथ तो आप नहीं पिएंगे ना उनको, आप क्या करेंगे, टी लीव्स को उसमें से सेपरेट आउट करेंगे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो प्योरिटी फर्स्ट हमारा क्या आता है, प्योरिटी। सेपरेशन अलाउज अस टू ऑब्टेन प्योर सबस्टांस। सेपरेट अलाउ करता है हमको कि हमको प्योर सबस्टांस मिले, उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं या अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं हम मिक्सचर में से हटा देते हैं। तो प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आप पानी पीते हैं तो हमेशा प्योरिफिकेशन, आपको बच्चों को कैसा पानी दिया जाता है, जो शुद्ध होता है, प्योरिफाई करते हैं हम उसको पहले। प्रोसेस सच एज फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन आर यूज टू रिमूव कंटेमिनेट्स एंड मेक द वाटर सेफ फॉर कंजम्पशन। पहले हम फिल्टर करते हैं फिर आपको वाटर को दिया जाता है। तो जो अनडिजायरेबल सबस्टांसेस हैं या हार्मफुल सबस्टांसेस हैं, हम क्या करते हैं, जितने भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक जो चीजें हैं उसको उसमें से हटा रहे हैं, यानी कि हार्मफुल सबस्टांसेस हैं और अनडिजायरेबल जो हमको नहीं चाहिए उन सबस्टांसेस को हम उसमें से सेपरेट आउट कर रहे हैं। सेकेंड आता है हमारा एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन। आप देखते हैं कि जो पेट्रोलियम मिक्सचर निकलता है, यानी कि जो क्रूड ऑयल हम निकालते हैं जमीन के अंदर से, उसको हम डायरेक्टली तो नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप पेट्रोल, डीजल और आपके घर में जैसे गैस है वो सीएनजी है, ये सब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। अब ये कहाँ से निकल रहा है, आप पेट्रोलियम जब निकाल रहे हैं तब ये भी चीजें आपको मिल रही हैं, लेकिन हम सीधे सीधे उस क्रूड ऑयल को नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, उससे पहले उसमें से चीजों को सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो जो साइंटिस्ट है कितना मेहनत करते हैं, हम कोर्स निकालते हैं तो डायरेक्टली उसमें से मेटल नहीं मिलता उनको, सेपरेट आउट करना पड़ता है। उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स है, वो लोग जो है आपके अलग अलग टेस्ट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, है ना। तो डीजल, कैरोसिन, पेट्रोलियम गैस सब आपको मिलता है। तो एक जो मिक्सचर हमने निकाला, जैसे कि आप देखते हैं गोल्ड है या प्लेटिनियम है, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो आप आसपास देखते हो, सोना चांदी, ये सब क्या है, मेटल्स है। तो इनको इसी फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये सब कैसे मिलते हैं, ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, अर्थ से, अर्थ क्रस्ट से हम ओर्स निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड से इनको सेपरेट आउट करते हैं बच्चों, तब जाके हमको जो ओरिजिनल फॉर्म में चीज चाहिए वो मिलती है। तो उसके लिए एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन हमको करना पड़ता है। फिर आता है रिसाइकलिंग। आप जो वेस्ट फेंक देते हैं बाहर उसको रिसाइकिल कर किया जाता है। उसी की वजह से क्या होता है कि आज बहुत हमने हद तक काम कर लिया है इस पर, हम रिसाइकिल कर रहे हैं काफी मटेरियल्स को, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल है, इन सबको हम मिक्स वेस्ट से अलग अलग कर लेते हैं और फिर उसको रिसाइकिल करके बहुत सारी चीजें बनाते हैं जो हमारे यूज की है। क्योंकि इतना कूड़ा आप कहाँ फेंकेंगे और कहाँ लेकर जाएंगे उसको, आपको रिसाइकिल तो करना है। तो हम उसको प्रोसेस करके क्या करते हैं कि इफेक्टिवली रीयूज कर लेते हैं। तो लेकिन उससे पहले आपको सेपरेट आउट तो करना पड़ेगा ना, आप सीधे सीधे कूड़ा ले जाके थोड़ी यूज कर लेंगे। रिसाइकिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट चीजों को सेपरेट आउट करना होगा। तो ये नीड है कि हम इसीलिए सेपरेट आउट सबस्टांसेस को। अब हमारे पास कोई मिक्सचर है और उसमें से सॉलिड सबस्टांसेस हमें उसमें से निकालने हैं, तो ये सब आपने घर में भी देखा है, हैंड पिकिंग, ये सबसे आसान एक तरीका है। अगर हमारे पास जो मटेरियल, जो सबस्टांस है वो कम है, यानी कि हमारे पास जो मिक्सचर है वो कम है और उसमें जो मिक्स सबस्टांसेस है वो भी कम मात्रा में है, जैसे दाल या चावल आपकी मामा पहले क्लियर करती है, साफ करती है, सेटिस्फाई हो जाती है, तब आपके लिए बना कर देती है। तो ग्रेन्स एंड पल्सेस जो है हम बाई करते हैं मार्केट से, अगर उसमें हमें ऐसा लगता है कि कोई अनडिजायरेबल चीज है, कंपोनेंट्स हैं जैसे कि स्टोन्स, तो पहले हम क्या करते हैं उनको उसमें से साफ कर देते हैं, क्योंकि वो कंपोनेंट्स बहुत अलग दिखाई देते हैं। अगर अरहर दाल है और उसमें स्टोन है तो अरहर दाल की जो शेप है वो अलग है और जो स्टोन्स है वो अलग शेप में है, तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हमारी अरहर दाल है और उसमें से हम स्टोन्स को अलग कन्वीनियंटली कर सकते हैं। शेप और साइज उस सबस्टांस के अलग है और उनको हैंड पिकिंग से
आसान है करना क्योंकि हमारे पास जो मिक्सचर है वो कम मात्रा में है। क्लियर? तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है हैंड पिकिंग। हमारे जो बाकी के मेथड्स हैं वो क्या है, तो एक है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में आप जानते हैं जो हम सीरियल्स उगाते हैं जैसे वीट है, राइस है, आपने क्रॉप जो है उगा ली है, अब क्रॉप को आप क्या करते हैं, कट आउट कर लेते हैं। काटने के बाद जब आपने हार्वेस्ट कर लिया उसको, अब आपको उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट आउट करना है क्योंकि उसके साथ स्टॉक भी है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग, जिसमें हम स्टॉक को से अलग कर देते हैं। अब ये प्रोसेस हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए ये बाई हैंड हो रहा है, यहाँ पे ये लेबर्स जो है क्या कर रहे हैं, स्टोन पे इसको, ये ग्रेन्स है यहाँ पे आके हाथ से पकड़ के, गेहूं है उसकी बालियां है, उनको इकट्ठा लेके पूरा उस पे पत्थर पे वीट आउट कर रहे हैं। इससे प्रोसेस से क्या हो रहा है, जो आपके ग्रेन्स है वो अलग हो जाएंगे। यही प्रोसेस आप मशीन से भी कर सकते हैं। ये है मैनुअल थ्रेशिंग और दूसरा एक मशीन आती है जिसको हम कहते हैं थ्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों? थ्रेशर। ये नाम आपको याद रखना है, अगर आप लिखेंगे तो वहां पे या एक नंबर पे भी आ रहा है, तो थ्रेशर जो है आपका आता है, उससे आप सेपरेट आउट ग्रेन्स को कर लेते हैं और स्टॉक अलग हो जाता है। नेक्स्ट मेथड हमारा रहता है विनोइंग, जहाँ पे आप एक ऊंची जगह पे खड़ी हो जाइए और वहां से एक क्वालिटी है जो मिक्सचर में होती है कि जो लाइट वेटेड है उसको विंड ले जाएगी दूर और जो भारी होगा वो नीचे वहां इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि हैवी जो है वो नीचे आपका जमीन पे इकट्ठा हो जाएगा और जो लाइट वेटेड होगा वो हवा के साथ आगे नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। तो हमें अगर मिक्स ग्रेन्स हैं जैसे वीट और राइस है, उसमें क्या है, हस्क है, भूसा में अलग करना है क्योंकि वो हमने जो रियर किए हुए एनिमल्स उनके भी काम आता है, वो भी हमको चाहिए। तो ये मेथड हम जो प्रॉपर्टी है कि हैवी जो है वो अलग हो जाता है ग्रेन से, अगर हम ऊंचाई से करें तो हवा से हम उसको अलग सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो विंड और ब्लोइंग एयर जो है वो विनोइंग मेथड के द्वारा हमें ग्रेन अलग करके दे देता है और हस्क अलग कर देता है। फिर नेक्स्ट मेथड जो आता है हमारा सीविंग का आता है, वो हम जाली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमारा जो मिक्सचर है वो डिफरेंट साइज का है। आपने देखा होगा जब बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होती हैं या घर बन रही होती हैं, तो वहां पे अगर आपने ध्यान दिया होगा कभी, तो सीविंग का मेथड इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप छान लें तो आपका जो रेत है वो बालू है, आप अलग कर, अगर मोटे पत्थर आप अलग करना चाहते हैं तो आप जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप कुछ ऐसा जो है मटेरियल आपके पास है, मिक्सचर है जिसमें शेप्स अलग अलग हैं उनके, एक छोटे बड़े हैं, तो इसमें से जो छोटे वाले होंगे वो अलग निकल जाएंगे, बड़े बड़े अलग हो जाएंगे। तो सीविंग का मेथड भी सेपरेट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप अपने घरों में भी देखते हैं आटा छानने के लिए भी इस्तेमाल हम सीव का करते हैं कि अगर उसमें कोई अंडरजरावल चीज है तो वो अलग हो जाएगी और हेल्दी चीज ही बच्चों को मिलेगी। अब आपको इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करना है लिक्विड से। आपके पास क्या है, लिक्विड है और उसमें कुछ ऐसा सॉलिड मिक्स है जो उसमें पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं है, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है सेडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। इस प्रोसेस से हम अगर कोई सेटल डाउन नीचे मैटर के है जो सॉल्यूशन है हमारा, उसमें अगर हैवी पार्टिकल जो है नीचे बैठ जाते हैं बॉटम पे, तो उसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं और उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय डिकंटेशन की, बिना हिलाए आप ऊपर जो, जैसे एक पानी आपने लिया है, ये देखिए इसमें मड मिक्स कर दिया हमने, सैंड मिक्स कर दिया, थोड़ी देर हम उसको शांत रहने दिया, तो ये नीचे डिकंटेट हो गया, जो हमारा मट था वो ऊपर हमारा क्लियर वाटर आ गया। अब हमने क्या किया, इस क्लियर वाटर को बिना हिलाए धीरे धीरे करके अलग कर लिया, पॉरिंग कर लिया, दूसरे एक बीकर में हमने उसको पॉर कर लिया, तो ये हो गया हमारा सेडिमेंटेशन। बहुत छोटी सी एक्टिविटी है ये, आप काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लोडिंग, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इन अ सस्पेंशन बाय एडिंग सम केमिकल्स टू इट इज कॉल्ड लोडिंग। यानी कि अगर आप सेडिमेंटेशन जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं कुछ केमिकल उसके अंदर मिला के, कि जो पदार्थ है वो मैटर में है आपका, वो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाए तेजी के साथ, तो उसको हम लोडिंग कहते हैं। और फिल्ट्रेशन है कि आप फिल्टर, ये जो है आपका, ये देख रहे हैं आप, ये है फिल्टर पेपर और ये फनल है एक, उसमें हमने इस फिल्टर पेपर को लगा दिया है, ये कोनिकल फ्लास्क है हमारा। इस बीकर में एक ऐसा मिक्सचर है जो कि
जिसमें दूसरा पदार्थ पिघला हुआ है। तो अब हम इसको यहाँ पे फिल्टर के थ्रू नीचे ला रहे हैं। तो ये यहाँ देख रहे हैं आप, जो फिल्टर पेपर है उसके अंदर रिसाइड रह गया जो सबस्टांस था, और जो क्लियर आपका लिक्विड था वो नीचे आ गया। तो फिल्ट्रेशन से आप सेपरेट करते हैं इन सोलेबल सबस्टांसेस को एक लिक्विड में से, और उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा आप चाय छानते हैं तो सीव से छान लेते हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मैटर को फिल्टर आउट करने के लिए। अब वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये, देखिए। अब यमुना से पानी आ रहा है, जैसे आजकल क्या हो रहा है, अभी दिल्ली में आपके बाढ़ आ गई है, यमुना जो वहां पे पानी ज्यादा छोड़ दिया है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ने बंद कर दिया है क्योंकि पानी ज्यादा भर गया है। तो ये सब चीजें क्या है, आप किस तरीके से आपके घरों में पानी आता है, तो हम वाटर को ऐसे ही नहीं भेज देते हैं अशुद्ध फॉर्म में। आप जो पानी पीते हैं उसको प्यूरिफाई करके आपके घर भेजा जाता है, और उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हमारी जो डे टू डे लाइफ है इसमें हम कैसे इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल जूसेस जो है वो हम जब पीते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से सेपरेट आउट कर लेते हैं सीड्स को और पल्प को। आप जैसे बाहर जाते हैं ना कि आप मामा अनार का जूस पीना है या मौसमी का, तो आप उसको उनके सीड्स के साथ दे देगा तो क्या वो अच्छा लगेगा आपको, नहीं, वो पहले ही आपको सेपरेट आउट करके उनको देता है। अगर आप पनीर बना रहे हैं तो आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस ऐड कर देते हैं बॉइलिंग मिल्क में, उससे क्या होता है जो सॉलिड पार्टिकल है वो अलग हो जाता है, लिक्विड अलग हो जाता है। अब हमें फिर से उसको सेपरेट आउट तो करना होगा, पनीर को बनाने के लिए हमें उसमें जो हमारा जो मिल्क था जिसमें हमने जूस ऐड किया था लेमन का, उसमें जो पानी रह गया वो अलग करना होगा ना उसमें से। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों चीजों को फिल्टर कर लेते हैं एक फिल्टरिंग क्लोथ से या फिर स्ट्रेनर से। तो उसमें से जो पार्टिकल्स सॉलिड है वो हमारे पास ऊपर आ जाते हैं और नीचे हमारा लिक्विड इकट्ठा हो जाता है। वाटर दैट वी क्रिएट गेट फ्रॉम द वाटर बॉक्स कैन बी मेड एब्सोल्युटली सेफ फॉर ड्रिंकिंग बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रिक अल्ट्रा वायलेट वाटर फिल्टर। यानी कि आप वाटर को भी सेफ तरीके से पीने के लायक बनाने के लिए उसको भी फिल्टर आउट करते हैं। अब आता है हमारा सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम मिक्सचर। यानी कि अभी तक हमने ऐसी चीजों को पढ़ा जो कि उसमें मिक्स नहीं थे, सॉल्यूशन नहीं था हमारे पास, मिक्सचर था, वो चीजें अलग अलग थी। लेकिन अगर हमारा जो सॉलिड है वो सॉल्युबल है मिक्सचर के अंदर, तब आप उसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे, कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ये क्वेश्चन आपका बनता है। और ये अलग से प्रोसेस भी पूछा जा सकता है आपको कि बताइए, डिस्क्राइब कर दीजिए व्हाट इज इवेपोरेशन या व्हाट इज कंडेंसेशन। तो आप समझते हैं, इवेपोरेशन आपने पानी को बॉईल करने रख दिया तो क्या हुआ, उसमें से वाटर वेपर्स ऊपर इवेपोरेट होने शुरू हो गए, यानी कि इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया। तो सॉलिड सब्सटेंस अगर उसमें कोई मिक्स है वाटर के अंदर तो वो कहाँ रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, और वाटर उसमें से पूरी तरीके से इवेपोरेट हो जाएगा। इस मेथड से आपको क्या मिलता है, सॉल्ट, यानी कि जो आपका टेबल सॉल्ट है जिसको आप खाने वाला नमक बोलते हैं और इस्तेमाल करते हैं, वो आपको इसी मेथड से मिलता है। ये प्रोसेस जो है बेस्ड इस फैक्ट पे कि जो लिक्विड्स हैं वो वेपराइज हो जाते हैं आसानी से आप अगर उनको हीट कर देते हैं, जबकि सॉलिड्स जो है वो एवोपरेट नहीं होते हैं। तो प्रोसेस है ये कि एक लिक्विड को वेपर्स में अगर हम चेंज कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं, इवोपरेशन। फील्ड्स में जो सी वाटर है उसको भर दिया जाता है सनलाइट की वजह से, गर्मी से क्या होता है, सी वाटर इवोपरेट हो जाता है और नीचे क्या रह जाता है, सॉल्ट। इसी सॉल्ट को प्रोसेस करके इसको और ज्यादा शुद्ध करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर। अब आता है नेक्स्ट मेथड हमारा कंडेंसेशन। ये मेथड हम क्यों और कब इस्तेमाल करेंगे, तो दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ लिक्विड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। वी कैन गेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय दिस प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑफ कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। यानी कि अगर आप एक गिलास में पानी लेके आइए ठंडा और उसको रखिए थोड़ी देर टेबल पे, या बॉटल आप फ्रिज से बाहर निकाल के लाइए, तो आपको बूंदे बूंदे उसके चारों तरफ दिखाई देना पड़ती है। तो वो बूंदे कैसे बनी भाई, एयर में भी क्या है, वाटर है, और वो जब सरफेस की टच में आया तो कूल डाउन हो गया, तो वो आपको वेपर्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यही है हमारा कंडेंसेशन।
डिस्टिलेशन से आप क्लियर है बर्ड, आपको डिस्टिलेशन से आप सब फैमिलियर है। आपको पता है वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बॉईल होना शुरू हो जाता है। आप इससे ज्यादा अगर उसको और बॉईल करेंगे तो वेपर्स या स्टीम्स उसके अंदर से निकलने लगेंगे। क्लियर है आपको? ये स्टीम जो है अगर हम इसको कूल डाउन कर लें वापस, तो हमें क्या मिल जाएगा, फिर से हमें वाटर मिल जाएगा। यही प्रोसेस है हमारा डिस्टिलेशन, यानी कि डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है उसमें हम वाटर को हीट कर रहे हैं और उससे वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, उनको हम कूल कर रहे हैं और उससे हमें वापस लिक्विड वाटर मिल रहा है। यहाँ आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, या हमने हीट किया वाटर को, वेपर्स निकले, उनको कूल डाउन किया और यहाँ हमें वापस डिस्टिल वाटर मिल गया। और जो उसमें इम्प्योरिटीज थी, भले ही वो साल्ट है या कुछ और है, वो अलग हो गया और हमें डिस्टिल वाटर मिल गया। अब अगर हमें सेपरेट आउट करना है इमिसिबल लिक्विड, इमिसिबल वर्ड मीन्स कि जो पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो रहा है, अगर वाटर है, वाटर में हम अब ऑयल डाल दीजिए तो ऑयल मिक्स होता है नहीं, वो क्या करता है, फ्लोट करता है। ये ऑयल फ्लोट करेगा, पूरा सरफेस पे फ्लोट कर जाएगा ऊपर। तो सेपरेट करना है हमें ऐसे टू लिक्विड्स को जो इमिसिबल है, यानी कि आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, अगर तो उनको सेपरेट करने के लिए हम एक फनल लेंगे और उसको जो है हम स्टैंड आउट कर देंगे कुछ देर के लिए, शांत कर देंगे। ऊपर जो है हमारा जो इमिसिबल लिक्विड है वो ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, लेयर नीचे आ जाएगी, फिर इसको हम स्टॉप लॉक से सेपरेट आउट कर लेंगे और नेक्स्ट में अलग बीकर में इकट्ठा कर लेंगे। इस आप इससे जो है ये आपका पिक्चर है, इससे इस चीज को समझ सकते हैं कि यहां हमने मान लीजिए इसके अंदर सेपरेटिंग फनल के अंदर वाटर में ऑयल मिक्स किया और रख दिया। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो लाइटर लिक्विड है यानी कि ऑयल है वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, सेपरेट लेयर बन गई। हैवी लिक्विड यानी कि वाटर यहाँ आ गया। अब स्टॉप क्लॉक लगा रखा है हमने, नीचे हमने एक बीकर रख दिया और यहाँ हमारा क्या इकट्ठा हो जाएगा, वाटर। स्टॉप क्लॉक बंद कर दीजिए और जो ये लिक्विड आपका ऑयल है, लाइटर लिक्विड है, इसको आप दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है। वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट वर्ड मीन्स क्या हुआ कि ये बहुत सारी चीजों को अपने अंदर सॉल्वेंट कर लेता है। अगर हम मिक्स करने जाएं तो बहुत सारी चीजें जैसे सुगर है, साल्ट है, तो इसके अंदर हम मिक्स कर सकते हैं, डिजोल्व हो जाती है। तो वाटर में हम काफी सारी चीजों को, सब्सटेंसेस को डिजोल्व कर लेते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। और जो उससे फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो जो सब्सटेंसेस वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं सॉल्युबल। क्लियर? सॉल्युबल सबस्टांसेस। और जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं इनसॉल्युबल सबस्टांसेस। तो यहाँ दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, एक है सॉल्युबल और एक है इनसॉल्युबल, यानी कि जो वाटर में सॉल्युबल हो जाए, यानी कि उसके अंदर हम उसको डिजोल्व कर सके, वो हो गया सॉल्युबल, और जो नहीं डिजोल्व हो वो हो गया इनसॉल्युबल। इसीलिए सॉल्ट जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, पर सैंड जो है वो इनसॉल्युबल है क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर हमने एक सॉल्वेंट के अंदर जो मिक्स हो जाए इस तरीके से डिजोल्व करके कोई मिक्सचर बनाया, तो ये जो हमारा लिक्विड है ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं हम और फॉर्म कर रहे हैं अच्छे से यूनिफॉर्म करके उसको, तो वो क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन। इट ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड गेट्स एकोमोडेट बिटवीन द इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ द लिक्विड। ये वर्ड आपको समझ आ रहे हैं? आपको पता है जो मैटर होता है उसकी तीन स्टेट होती है। अब आप कहेंगे ये क्या पढ़ाने लग गई मैम, तो मैं आपको बता रही हूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये आपने पढ़ा है कि तीन स्टेट होती हैं। अब इसी हिसाब से इसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी स्पेसिंग अलग अलग होती है, जैसे गैस की काफी दूर दूर होते हैं आपको पता है, और वाटर वगैरह में जो सॉल्यूशन होते हैं इनमें थोड़ा पास पास होते हैं, लेकिन सॉलिड्स में यही बहुत पास पास होते हैं, है ना। तो अगर आप किसी वाटर जैसे ले लिया आपने, उसके अंदर आप क्या मिला रहे हैं, सॉल्ट मिला रहे हैं, या फिर आपने शुगर ले लिया, तो उसके पार्टिकल क्या करेंगे, ये जो बीच में स्पेस है ना सॉल्यूशन के, दिख रहा है ना आपको, इसमें एकोमोडेट कर जाए। ठीक,
तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो उसको भर देंगे और इस तरीके से उसमें पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, सॉल्यूशन बना लेगा इस तरीके से। तो द एक्सटेंट टू विच अ सब्सटेंस गेट्स डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। किस हद तक आप उसमें वो चीजें मिक्स कर सकते हैं वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, आपने बहुत सारे सी एनिमल्स देखे हैं, पॉन्ड्स में, लेक में, बहुत सारे फिशेस वगैरह सब आपको पता है होती हैं। तो ये सांस कैसे लेते हैं आपको पता है, सभी लिविंग एनिमल्स को किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अभी ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन जो है वो होती है क्योंकि ऑक्सीजन डिजॉल्व हो जाती है वाटर में। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर चीजों की, ये टेम्परेचर से भी इफेक्ट करती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ऑक्सीजन की डिसॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है। इसीलिए जो समर्स होती हैं और उसमें अगर पॉन्ड वाटर हीट होता है तो ऑक्सीजन डिक्रीज होने लगती है जिससे कि मछलियां वगैरह जो है मरने लगती हैं अगर पॉन्ड शैलो है तो। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व रहती है और उनको सील कर देते हैं हाई प्रेशर में जिससे कि जो वाटर है उसमें सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज रहे। तो जो गैसेस हैं वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। आपको पता है मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया कि ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व रहता है तभी उसमें बाकी के जो एनिमल्स हैं वो सांस ले पाते हैं और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज या इंक्रीज भी सॉल्युबिलिटी में होता है। क्लियर? आपको रियलाइज भी नहीं हुआ होगा और आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है और हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। इसमें जितने भी थे, मिसिबल मिसिबल लिक्विड, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन, लोडिंग और आपका अलग अलग टर्म्स जैसे सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, फिर आप किस तरीके से वीट और राइस को फ्लैक्स से सेपरेट आउट करेंगे वो सारे मेथड्स सब आपको क्लियर हैं। तो बहुत अच्छे से मार्क्स लाइए, अच्छे से एग्जाम में लिखिए। आपके साथ मेरी बहुत सारे विशेस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अगेन, मेनी थैंक्स।